सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर इन दिनों दो बड़े यूट्यूबर संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बीच बढ़ता विवाद, तकरार और एक दूसरे पर आरोप लगाते वीडियो की कतार और उसके साथ सोशल मीडिया में यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी अपनी अपनी बात इस विवाद के बीच में कही है। लेकिन इस पूरे विवाद में जहां संदीप महेश्वरी एक समाज सुधारक के रूप में सामने आए हैं, वहां विवेक बिंद्रा जी कहीं ना कहीं अपना डिफेंस करते हुए दिखे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात बड़ी रोचक और रोमांचक होने जा रही है। संदीप महेश्वरी के एक वीडियो में संदीप जी ने भी ये खुलासा किया है कि जिन युवाओं को विवेक बिंद्रा जी के इस बिजनेस मॉडल को खरीद लेने और उसमें उनके पैसे फंस जाने, उनके पैसे रिफंड न होने की वजह से जो उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जो सहायता है, संदीप महेश्वरी वो सहायता पहुंचाने के लिए अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन शुरू करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि 1-2 महीने तक हम इस मोनेटाइजेशन को शुरू करेंगे, इतने रुपए हमारे पास आ जाएंगे कि हम देश की बड़ी जो लॉ फर्म है हम उसकी सहायता ले सकते हैं, कानूनी सहायता ले सकते हैं, जिससे जो युवा फंसे हुए हैं, जिनके रुपए फंसे हुए हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन्होंने ये बिजनेस मॉडल खरीदने के लिए पता नहीं किन परिस्थितियों में रुपए जुगाड़ किए थे, तो उनकी इस स्थिति से उनको उबारने की एक कोशिश संदीप महेश्वरी यूट्यूब मोनेटाइजेशन ऑन करके कर सकते हैं। यद्यपि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वैसे ही संभव हो गया तो वो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वैसे संभव नहीं हुआ तो फिर ये तो अपनी खेती है, हम कभी भी कर सकते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो काम YouTube नहीं कर सकी, संदीप महेश्वरी जी से मोनेटाइजेशन ऑन करवाने के लिए हमने सुना था कि YouTube ने भी बड़ी कोशिश की थी लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन विवेक बिंद्रा जी के इस प्रकरण ने संदीप महेश्वरी जी को कहीं ना कहीं मजबूर किया है। लेकिन एक अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए, लोगों की सहायता के लिए संदीप महेश्वरी अगर ये कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी दर्शक व्यूवर्स हैं जो उनको सुनते हैं, उनके मन में कहीं भी इस बात का मलाल नहीं होगा कि जो वीडियो हम सीधे फ्लो में सुन सकते थे अब बीच बीच में उसमें ऐड आएंगे, फ्लो टूटेगा, क्योंकि वो ये मान करके चलेंगे कि संदीप ये जो भी कर रहे हैं वो अपने खुद की इनकम के लिए नहीं कर रहे, वो औरों की सहायता के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, इस विवाद में जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अपडेट भी आती जा रही है, लेकिन कुछ बातें बहुत स्पष्ट है। कुछ यूट्यूबर्स ने बहुत शानदार विश्लेषण किया है, इसमें मैं सीए राहुल जी का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही वजनदार बात कही थी। बिजनेस मॉडल बनाना बेचना गुनाह नहीं है, लेकिन उसमें भी आप सुपात्र का चयन कीजिए। आपका बिजनेस मॉडल लेकर के अगर कोई व्यक्ति कमा नहीं सके तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करता है। इसलिए बिजनेस मॉडल जिन हाथों में जाना चाहिए उनकी योग्यता, पात्रता, उसको परख करके अगर आप उसे देते तो फिर कहीं कोई शिकायत नहीं आती। लेकिन कहीं ऐसा हुआ है, एक फॉल्ट कह सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने की इच्छा भी मैं इसे कह सकता हूं कि फिर आपको अपना प्रोडक्ट ही बेचना है तो आप यही कोशिश करते हैं कि बस मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। और दूसरी इसमें एक मज़ेदार बात जो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं आ रही है कि अगर आप अपने पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको ये बिजनेस मॉडल फिर कुछ लोगों को बेचना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है
कि ये प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट, अपना मॉडल बिकवाने की अपनी एक ट्रिक्स है। मैं ये नहीं कहता कि इससे लोगों का भला नहीं हुआ होगा, भला हुआ होगा, लेकिन राहुल जी की जो बात है कि पात्रता, सुपात्र व्यक्ति, उसमें आपका चयन होना चाहिए कि कौन व्यक्ति इस बिजनेस मॉडल को उपयोग में करके अपनी आमदनी क्रिएट करने में सफल हो सकता है। संदीप महेश्वरी जी के वीडियो में कल एक हैशटैग भी उन्होंने दिया है, और अब तो मुझे लगता है बहुत खुले शब्दों में ये बात हो रही है। विवेक बिंद्रा जी ने कहा कि संदीप सी 36 लाख लेते हैं, 9 लाख लेते हैं, उसमें फर्क है। संदीप महेश्वरी अगर 36 लाख लेते हैं, 9 लाख लेते हैं, तो वो किन लोगों से लेते हैं, विवेक जी को ये सोचना चाहिए। वो समर्थवान लोग हैं, वो समृद्ध लोग हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उनसे अगर वो रुपए लेते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने का। लेकिन विवेक जी के बिजनेस मॉडल में युवा आए हैं, वो युवा आए हैं जिनको पैसा कमाने की इच्छा जगी है वीडियोस को देख करके, और जिन्हें एक एश्योरेंस मिला है कि हम यहाँ से कमा सकते हैं, और उन्होंने किसी भी तरह से ये इन प्रकार वो पैसे का जुगाड़ किया है, चाहे अपनी सेविंग थोड़ी है, चाहे माता के गहने गिरवी रखे हैं, चाहे पिता से छुप करके कहीं से पैसा लिया है, या कहीं माता पिता ही इसमें आ गए हैं सीधे, उन्होंने कहीं से जुगाड़ किया है और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पैसे फंस गए हैं। एक और बहुत बड़ी बात, विवेक जी के बहुत सारी ऐसी वीडियो क्लिप भी सामने आ रही है जिसमें वो एश्योर करते हैं कि ये रिस्क फ्री है, अगर आप नहीं कमा सके तो आपका पैसा वापस। तो मजे की बात ये है कि जब पैसा वापस, मनी बैक गारंटी है, तो फिर ये लोग जो घूम रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा फंस गया, उन्हें उनका मनी क्यों नहीं मिल रहा है, ये एक सवाल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत जोर से उठ रहा है। और अब इन दिनों को कुछ ऐसे यूट्यूब वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं जो विवेक बिंद्रा जी पर कहीं ना कहीं उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण में मैं एक बार फिर से कहूंगा, संदीप महेश्वरी जी समाज सुधारक की भूमिका में हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मैंने अपना जो वीडियो बनाया था वो एक अवेयरनेस के लिए बनाया था, वो सामान्य रूप से सबको एक जागरूकता देने वाला था कि इस तरह के बिजनेस मॉडल आ रहे हैं, आप न फंसे। लेकिन विवेक जी ने जो रिएक्शन दे दिया, वो जो प्रतिक्रिया त्वरित उन्होंने दे दी, वो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो ही उन पर एक सवाल के रूप में सामने आ गई। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल की एक मैडम क्लास में ये पूछ रही है, ये कह रही है कि आप में से कुछ बच्चों के खिलाफ एक चोरी की शिकायत आई है। मैडम ये कहती है, क्लास में सन्नाटा रहता है, लेकिन एक बच्चा खुद खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैडम मैंने चोरी नहीं की। अब जब वो बच्चा खड़ा होता है तो सारे बच्चों में से उसी बच्चे पर संदेह हो जाता है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब हम ये नहीं कहते कि वो बच्चा चोरी है, हो सकता है वो बच्चा निर्दोष ही रहा हो, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ हो कि कहीं चोरी का आक्षेप मुझ पर न लग जाए। लेकिन फिर भी सामान्य रूप से ये जो घटना है ये संदेह पैदा करती है। इस घटनाक्रम में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है। संदीप माहेश्वरी जी ने अपने वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया, कोई पहचान नहीं बताई, कोई कंपनी का नाम नहीं बताया, लेकिन उसके बाद में भी विवेक जी की जो रिएक्शन आ गया, वो रिएक्शन कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि वो सवालों के घेरे में खुद आ गए हैं, और अगर वो इसमें कहीं नहीं बोलते तो शायद फिर एक जनरल अवेयरनेस के रूप में ये वीडियो 2 दिन 4 दिन लोगों के बीच में
चलता, लोग सुनते समझते, शायद उस रूप में प्रतिक्रिया नहीं होती, या हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद में कुछ लोग जो इस तरह के बिजनेस मॉडल में फंसे हुए हैं, अपने आप को फंसा हुआ समझ रहे हैं, वो फिर कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते, वो फिर कहीं ना कहीं अपनी बात को कहते, तो फिर बात शायद आगे बढ़ भी सकती थी। लेकिन इसमें विवेक जी का भी एक पक्ष है। वो भी एक YouTube चैनल में अपने साक्षात्कार में एक बात कहते हैं कि ये वीडियो संदीप महेश्वरी जी का करीब एक घंटे से अधिक का था, लेकिन उसमें उन्होंने 10 मिनट का एडिट करके डाला है। सीधी सी बात है, विवेक जी ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये टारगेट करने की कोशिश की गई है। अब पक्ष किसका सही है, कौन कितना सही बैठ रहा है, हम तो इसके आंकलन करने वाले लोगों में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो ये चीज़ें घटित हो रही है उसमें एक बात मैं फिर जोर देकर के कहूँगा कि संदीप महेश्वरी जी की प्रतिष्ठा बढ़ी है, और वो इसलिए बढ़ी है कि उन्होंने अगर इस रूप में अपनी बात को कहीं रखा भी है तो लोग इसे भी बहुत बहुत बड़ी हिम्मत और दिलेरी कह रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने विवेक बिंद्रा जी के लिए भी बोला है तो भी ये बहुत हिम्मत वाली बात है। हर कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता जिसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसकी टीम इतनी मजबूत हो, लीगल पक्ष जिसका इतना मजबूत हो, जिसके पास इतने लोग हों, और जैसा कि लोग कहते हैं कि कानूनी मुकदमे में फंसने की धमकी जो है वो मिलती है, तो फिर इस तरह की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस पूरे प्रकरण में संदीप महेश्वरी जी का पक्ष प्रतिष्ठा के रूप में बहुत मजबूत हुआ है। विवेक जी ने एक बात ये भी कही है कि संदीप महेश्वरी जी के बिजनेस वाले वीडियो चल नहीं रहे थे, करीब 2 लाख के आसपास व्यूज आ रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने ये स्कैम वाली बात कह दी उससे उनके व्यूज 50 लाख इस रूप में आने लग गए। तो विवेक जी की इस बात से हम सहमत नहीं हैं। संदीप महेश्वरी जी अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरह का काम कर सकते हैं ये नहीं सोचा जा सकता। उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो अंदाज है, और वो जिस रूप में काम कर रहे हैं, जिस रूप में उनकी शैली है, और YouTube में व्यूज़ बढ़ाने का मतलब तो पैसा कमाना है ना, तो मोनेटाइजेशन तो उस व्यक्ति ने ऑन ही नहीं कर रखा, तो उनके लिए ये विशेष मायना नहीं रखता। तो ये जो बात विवेक जी कहते हैं उस बात से कम मेरी सहमति नहीं है। आप लोग जो सुन रहे हैं आप लोग भी अपना पक्ष बताइएगा। हम ये चाहते हैं कि गलती में सुधार हो, क्योंकि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि आपकी क्रिएटिविटी, अगर आप ये कहते हैं कि आप लोगों का जीवन बना रहे हैं, आप लोगों को बिजनेस में पारंगत कर रहे हैं, आप लोगों को कमाना सिखा रहे हैं, आप लोगों की आंखों में बड़े सपने दिखा रहे हैं, तो बड़े सपने दिखा करके अगर कहीं लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वो आपके सपनों के जाल में फंस गए हैं, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो उनका जो ये क्लेम है, उनकी जो ये सोच है, उस सोच को दूर कीजिए, या तो आप उनको पारंगत कीजिए, या फिर आपने उनसे जो लिया है वो उन्हें वापस कीजिए। विशेष रूप से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जो इतना पैसा भी खर्च करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन आपकी टीम की कन्विंसिंग से या आपके वीडियो को देख करके इंस्पायर होकर के जिन्होंने ये पैसा लगाया है, और अब जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो एक इतने बड़े व्यक्ति की जिनको लोग इतना बड़ा मानते हैं, आदर्श मानते हैं, सुनते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम वो उन लोगों का पैसा लौटा दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खुद ये कहते हैं कि ये मनी बैक गारंटी है, आपकी वीडियो की कई क्लिप सोशल मीडिया में चल रही होती है, तब तो फिर ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब तक ये पैसे चूक जाने चाहिए थे, क्यों नहीं चूके, अब उसमें कौन सी ऐसी बात है, कौन सी अंदर की बात है,
कुछ ऐसा है जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोगों को पता नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन जितना कुछ आ रहा है उससे यही माना जा रहा है कि इन लोगों की बद्दुआएं लेकर के और ऐसे सपने दिखा करके लोगों को अधर जाल में फंसा देना, ये ऐसे व्यक्ति का काम नहीं है जो सपने दिखाता है, जो सपने जवान करता है, जो ये आश्वासन देता है कि आप लोग इतने लाख रुपए महीने में कमा लोगे और उसके बाद अगर उनको कुछ नहीं मिलता तो फिर इसे क्या कहा जा सकता है। और संदीप माहेश्वरी जी कहीं ना कहीं इसे ही, मुझे लगता है, स्कैम के रूप में बता रहे हैं। उन्होंने एक अपने वीडियो में स्कैम किसे कहते हैं वो जवाब भी दिया है, उसके साथ साथ RBI की जो गाइडलाइन है, जो कानूनी फाक है, उसका भी जिक्र किया है। सारी बातें अब खुलकर के सामने आ रही है। और मैं फिर कहूँगा, अगर विवेक अबिंद्रा जी और संदीप महेश्वरी जी के व्यक्तित्व के वजन की बात हो, तो अब तक जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, संदीप महेश्वरी समाज सुधारक की भूमिका में है, विवेक जी अपना डिफेंस करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जितना कुछ हमने सुना समझा उस आधार पर हमने अपनी बात कही है। लेकिन एक बड़ी रोचक और रोमांचक बात है कि संदीप माहेश्वरी जी के यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन भी कुछ दिनों के लिए शुरू हो सकता है, और ये निश्चित रूप से विवेक जी के साथ जो ये विवाद चला है उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये मजबूर हुए हैं संदीप माहेश्वरी, लेकिन एक नेक काम के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर और